इस बूढ़े आदमी ग्रिस को एक अजीब गोल्डन डिवाइस मिला है। ये जैसे ही इसका स्विच चालू करता है कि तभी इसके नीचे से 6 पैर निकल आते हैं और इसके तुरंत बाद ये पैर सीधे इस बूढ़े आदमी के हाथ की त्वचा में घुस जाते हैं। ये बूढ़ा आदमी अपनी पूरी ताकत से गोल्डन डिवाइस को अपने हाथ से हटा देता है, जिससे वो 6 पैर अचानक अपने आप अंदर चले जाते हैं। बूढ़े आदमी की पत्नी उसके हाथ में खून देखकर उसकी पट्टी कर देती है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन अब इससे इस बूढ़े आदमी की बॉडी में कुछ बदलाव आने वाले हैं। रात में ग्रिस को अचानक बहुत प्यास लगती है, तो ये फ्रिज में रखा सारा पानी पी जाता है। और तो और फ्रिज में रखे कच्चे मांस को देखकर ये इसे कच्चा ही खाने को सोचता है। अगली सुबह ग्रिस अपने आप को शीशे में देखकर हैरान हो जाता है कि उसके चेहरे से काफी झुर्रियां गायब हो गई हैं। अब इसे संदेह होने लगता है कि ये बदलाव उस गोल्डन डिवाइस के कारण हुए हैं। लेकिन आखिर ये गोल्डन डिवाइस इस बूढ़े आदमी के पास आया कैसे? लगभग 400 साल पहले एक रहस्यमय रसायन बनाने वाले आदमी ने इस गोल्डन डिवाइस को बनाया था। उसने इसका नाम क्रोनोस रखा था। इस गोल्डन डिवाइस के सही उपयोग से लोग अनंत जीवन काल तक जिंदा रह सकते हैं। 400 साल बाद एक इमारत के ढहने से उस रहस्यमय रसायन बनाने वाले आदमी की मौत हो जाती है, जिससे इस आदमी का बचा खुचा सामान बाजार की दुकानों में चला जाता है, जिन सामान में ये गोल्डन डिवाइस भी शामिल था।